की स्टिच कर सकते हैं, यानी कि 14 तरह की, मतलब 10 तरह की हम ये सिलाई और स्टिच, इसके अलावा काज, पीको, सेमी इंटरलॉक और रफू, इन चारों को मिलाकर 14 तरह की स्टिच हम ड्रीम स्टिच में कर सकते हैं। ये आपका टूल बॉक्स आता है, इसको हम स्लाइड करके निकालेंगे। जो भी आपको टूल्स रखने हैं इस पार्ट्स के अंदर ही रखने हैं, इसके अलावा और कहीं नहीं रखेंगे आप। इस पार्ट्स को हटाने के बाद नीचे जो गैप आता है, इस गैप का यूज आप सर्कुलर स्टिचिंग में आप कर सकते हो। पैंट की मोरी है या ब्लाउज की बाएँ हैं, इसको आप गोल पहनाकर गोल स्टिचिंग आप कर सकते हो। इसके बाद ये इसका आता है बॉबिन केस। इस बॉबिन केस में हमेशा आपकी प्लास्टिक की ही बॉबिन यूज होती है, इसके अलावा लोहे वाली इसमें आपको यूज नहीं करनी है। इसके बाद देखिए जो धागा फंसता है इसी एरिया में ही फंसता है। इस एरिया को साफ करने के लिए दोनों लॉक को अपनी तरफ ओपन करेंगे और हम इसको शटल को बाहर निकाल लेंगे, तो ये शटल पूरी बाहर आ जाएगी। मशीन में ऑयलिंग कहीं पे भी आपको ओपन नहीं करनी है, ऑयलिंग खाली आपको इसी एरिया में ही करनी है, वो भी आपको सिलाई के अकॉर्डिंग। यानी अगर आप ज़्यादा सिलाई कर रहे हो तो 5 से 6 दिन में 2 बूंद तेल यहीं डालना है, और अगर आप कम कर रहे हो तो 10 से 12 दिन में 2 बूंद तेल यहीं पर ही डालना है। इसके अलावा और आपको कहीं पर भी ऑयलिंग नहीं करनी है। अब देखिए शटल को लगाने के लिए, देखिए ये सी सर्किल है। सी सर्किल का मतलब सुई सबसे टॉप मॉडल पर होनी चाहिए। ये भी सी सर्किल है, ठीक इसके सामने इसको मैच करके लगाना है और ओ को पूरा करना है। इसके बाद ये दोनों लॉक बाहर की तरफ रहेंगे और ये ऊपर अंदर की तरफ जाएगा। अब हम इसको प्रॉपर फिर लॉक कर देंगे, जब हम लॉक करेंगे तो साउंड आएगा, ठीक है। यानी शटल साफ करने के बाद बॉबिन भरने के लिए हम बॉबिन को बॉबिन वाइंडर पे लगाएंगे, धागे को पीछे की तरफ रखेंगे, फर्स्ट यहाँ से लेंगे, सेकंड मशीन के बीच में क्लिप बनी हुई है इसके आगे से इसको फंसाएंगे और बॉबिन के पीछे से एक दो बार अराउंडिंग करेंगे। अराउंडिंग करने के बाद इसको स्लाइड करेंगे और हम प्रेस करेंगे अब मशीन। तो ये देखिए आपकी बॉबिन भर रही है, मगर बॉबिन भरते समय सुई भी चल रही है, तो बॉबिन भरते समय सुई का इस्तेमाल नहीं होता है, तो उसके लिए हम व्हील को अपनी बाहर की तरफ निकालेंगे और फिर हम मशीन चलाएंगे। तो ये देखिए आपकी सुई निडल रुक गई है और आपकी ओनली बॉबिन भर रही है। इस बॉबिन में 40 से 41 मीटर धागा आता है और जब ये फुल हो जाती है तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी और जितना धागा आपको भरना है उतना भर के आप इसको छोड़ सकते हैं। यानी आपके अनुसार है कि आपको धागा कितना भरना है। बॉबिन भरने के बाद हम इसको स्लाइड करके निकाल लेंगे और व्हील को हम अंदर कर देंगे। व्हील को हमें तभी बाहर करना है जब आप बॉबिन भर रहे हो, और हम बॉबिन केस में बॉबिन को लगा देंगे। और इसको लगाने के लिए देखिए वही तरीका पुराना, होल में यहाँ पे आपको फंसाना है, आवाज आएगी और धागे को अंदर छोड़ देना है। इसके बाद आता है सुई में धागा कैसे पिरोएंगे। देखिए सुई में धागा पिरोने के लिए यहाँ पे ऊपर एरो मार्क दिए हुए हैं, फर्स्ट एरो, सेकंड एरो और यहाँ पे थर्ड एरो। फर्स्ट एरो है आपका नीचे की तरफ हम जाएंगे, तो हम नीचे की तरफ गए। सेकंड एरो ऊपर है तो ऊपर की तरफ आएंगे। यहाँ पे आने के बाद हम व्हील को अपनी तरफ घुमाएंगे तो ये क्लिप बाहर आएगी। इस क्लिप में आपको धागा हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर ही धागा डालना है। अगर आप उल्टा डालेंगे तो धागा बार बार टूटेगा या गुच्छे बनाएगा, तो हमेशा इसको राइट से लेफ्ट में धागा डालना है। और फिर हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद साइड में एक पिन दी हुई है, इस पिन में धागे को पीछे से आगे की तरफ लेकर आएंगे। यहाँ पे लाने के बाद फिर हम निडिल में धागा डालेंगे, तो जो निडिल में हम धागा डालते हैं इसमें बिल्कुल सामने से हम डालते हैं, बिल्कुल आपको सामने से सुई धागा डालना है।
ये देखिए ये आ गया। हमेशा ये ध्यान रखना है कि सुई में धागा डालते समय बल नहीं पड़ जाए। फिर हम नीचे का धागा ऊपर की तरफ खींच लेंगे, तो नीचे का धागा ऊपर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं स्टिचिंग की तरफ। ये हमने डाउन किया मशीन को। अब देखिए स्टिचिंग करने के लिए हमें सिंपल स्टिच करनी है, तो इसमें देखिए डायल बाहर की तरफ आता है। ये आपके सेलेक्टर दिए हुए हैं और डिजाइन दी हुई है। ए से लेकर जेड तक आप कोई भी आपको स्टिच या डिजाइन आपको बनानी है तो इस डायल में भी ए से जेड दिया हुआ है। यहाँ पर आपको कट दिया हुआ है। जैसे हमें सिंपल स्टिच करनी है तो हम इसको बी पे करते हैं, तो बी पे हमने इसको सेट किया। अब हम मशीन को चलाएंगे। मशीन को चलाते समय दोनों हाथ आपकी फ्री हैं। कपड़े का मूविंग आप कैसे भी आप कर सकते हो, ये आपके अनुसार है। तो ये आपकी नॉर्मल स्टिच हो गई। अगर आपको थोड़ी कच्ची सिलाई करनी है तो कच्ची सिलाई के लिए हम सेलेक्टर रखेंगे सी। ये आपका देखिए सेलेक्टर सी हो गया। और अगर हमें बिल्कुल ही बिल्कुल पास सिलाई करनी है तो हम इसको सेलेक्टर को ए रखेंगे, तो ये बिल्कुल पास पास सिलाई आएगी आपकी। ये देखिए जब हम स्टिच करते हैं तो कपड़े को फर्स्ट और लास्ट में लॉकिंग करते हैं ताकि सिलाई नहीं उधड़े। उसके लिए हमें जैसे हम सिंपल स्टिच कर रहे हैं, अब हमें लॉकिंग करनी है, तो मशीन चलाते चलाते जहाँ पर भी आपको लॉकिंग करनी है, ये रिवर्स बटन है, इसको हम प्रेस करेंगे तो मशीन पीछे की तरफ जाएगी, छोड़ देंगे तो आगे की तरफ जाएगी। तो हमें इसका यूज वन टच रिवर्स में करना है ऐसे, तो वहीं पर ये मशीन लॉक हो जाएगी। जितनी देर दबा के रखेंगे मशीन उतनी देर पीछे जाएगी, तो हमें इसका यूज वन टच रिवर्स में करना है। तो ये आपका लॉकिंग हो जाएगी। देखिए इसके बाद कोई भी हमें अगर जैसे डिजाइन बनानी है मशीन में, देखिए डिजाइन जैसे हमें बनानी है एच, तो एच को हम सेट करेंगे इस कट के सामने और मशीन चलाएंगे। जहाँ जो भी आपको डिजाइन बनानी है वो डिजाइन आप बना सकते हो। मूविंग कपड़े की आपको देनी है कि आप कैसे आपको डिजाइन बनानी है। देखिए आपको गोलाकार बनानी है या आपको आयताकार बनानी है, वो आप बना सकते हो। तो ये सेटिंग करना है और आपको ये डिजाइन आपके पास आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपका आता है सेमी इंटरलॉक। सेमी इंटरलॉक करने के लिए कपड़े को हम हाफ बूट पे रखते हैं और सेलेक्टर हम यूज करते हैं इसमें एफ। एफ हमने सेट किया, अब हम मशीन को चलाएंगे। जब भी हम मशीन को चलाएं तो एक बार लॉकिंग कर दें ताकि सुई में धागा नहीं निकले। बिल्कुल आपको कॉर्नर पे चलाना है इसको। स्पीड आपके पाँव में है, जितनी तेज आप दबाएंगे उतनी तेज स्पीड चलेगी। ये देखिए ये आपका सेमी इंटरलॉक हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका आता है रफू। कोई भी कट जाए तो आपकी स्टिच आप कर सकते हो। जैसे कपड़ा कट गया है अब आपको स्टिच करनी है, तो सबसे पहले कपड़े को सुई के मिडिल में रखेंगे और एक बार लॉक कर देंगे। सेलेक्टर हमें इसमें यूज लेना है जी, डॉट डॉट जिग जैग जो बना हुआ है। चलाएंगे मशीन को।
ये देखिए ये आपकी रफू हो गई। आप अगर इसी धागे से ही करेंगे तो धागा आपको दिखाई नहीं देगा और आपको ये सुंदर भी लगेगा, तो इससे हम रफू कहते हैं। इसके बाद आपका आता है पीको। पीको करने के लिए फुट को हमें चेंज करना पड़ता है। ये वाला फुट पीको का आता है, इसको चेंज करने के लिए कोई पेचकश की ज़रूरत नहीं है। अब इसको लगाने के लिए देखिए, अब इसको जब हम लगाएंगे तो इसको हमें हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए देखिए पीछे एक लीवर दिया हुआ है मशीन के पीछे, इसको हम अपनी तरफ प्रेस करेंगे तो ये फुट नीचे आ जाएगा। लगाने का तरीका है, जो नीचे वाला धागा जहाँ से आ रहा है वो वाला होल और इसमें ये दिया हुआ होल मैच करेंगे हम। मैच करने के बाद लिफ्टर को हम डाउन करेंगे। ये देखिए उसको उठा के देखेंगे, ये लग गया। यानी हमें होल से होल मैच करना है और लिफ्टर को डाउन करना है। अगर ये ऊपर उड़ जाता है तो मतलब लग गया है, और अगर नहीं उड़ता है तो मतलब नहीं लगा है। तो ये सेट करने के बाद धागे को हम पीछे की तरफ रखेंगे। कपड़े का उल्टा साइड ऊपर की तरफ रखेंगे। और मशीन को एक बार लॉकिंग करेंगे। इसके बाद सेलेक्टर आपको इसमें यूज करना है ई। पिको के लिए सेलेक्टर हमें यूज ई करना है। ये सेटिंग करने के बाद आगे गोल सी पिन बनी हुई है। इस पिन में आप कपड़े को थोड़ा सा घुमा देंगे और धीरे धीरे हल्का हल्का छोड़ेंगे। ये नहीं है कि आपको बिल्कुल टाइट खींच के रखना है कपड़े को, गोल हिस्से में कपड़े को फंसाना है और धीरे धीरे इसको चलाना है। तो ये आपका ऐसे पिको हो जाएगा। देखिए बिल्कुल कपड़े को खींचना नहीं है, धीरे धीरे इसको आगे की तरफ छोड़ते जाना है। अगर आप खींचेंगे तो धागा एक ही जगह पड़ेगा, मूव नहीं होगा, धागा टूटेगा या गुच्छे बना देगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका आता है बटन होल। बटन होल के लिए ये वाला बूट हम लगाते हैं जो प्लास्टिक का होता है, जो आगे पीछे ये स्लाइड करता है। सेम वही तरीका लगाने का, हम इसको प्रेस करेंगे पीछे से तो ये फुट निकल जाएगा। और इसको लगाने के लिए वही होल से होल मैच कराएंगे आगे वाला। और लिफ्टर को डाउन कर देंगे। उठा के देखेंगे तो ये आगे पीछे स्लाइड होगा और ये मतलब ये लग चुका है। नीचे वाला धागा नीचे ही रह जाएगा और जो सुई वाला धागा है वो उसके अंदर से हम पिरो लेंगे। काज आपको जितना बड़ा बनाना है, लास्ट आप इतना बड़ा काज आप बना सकते हो। जैसे अगर आपको छोटा करना है तो उसको हम बैक करेंगे। जैसे हम इतना बड़ा काज बनाना है, ये हमने सेट किया, लिफ्टर को डाउन किया, मशीन कई बार लॉक कर दी। अब आपको ध्यान रखना है सेलेक्टर का। इसमें देखिए लाल रंग के तीन बॉक्स बने हुए हैं। फर्स्ट एरो के सामने हमें एक नंबर रखना है। अब हम घुमाएंगे, इसमें मशीन आगे की तरफ आएगी। ये हमने रोक दिया सुई ऊपर। इसके बाद सेकंड डायल जो आपको हल्का सा चलाना है। उसके बाद थर्ड डायल, यानी मशीन पीछे की तरफ आएगी ऑटोमेटिक। जहाँ से आपने एक नंबर चलाया वहीं तक आपको तीन नंबर चलाना है। उसके बाद जहाँ सेकंड नंबर है वहाँ फोर नंबर भी है, तो बैक टू पे जाएंगे हम और वही हल्का सा चलाएंगे। इसको हम निकाल लेंगे। और सिम रीपर की मदद से हम इसको बीच में से हम इसको काट लेंगे। तो ये आपका काज बन गया।
इसमें आपको तीन चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा, एक तो व्हील को हमेशा अपनी तरफ घुमाना है, सेकंड नंबर जब भी आप सेलेक्टर को चेंज करोगे तो सुई हमेशा कपड़े से ऊपर होनी चाहिए, और थर्ड नंबर जब भी आप सुई में धागा पिरो रहे हो तो यहाँ पर आपको राइट से लेफ्ट में ही धागा डालना है। इसके बाद आता है धागे का टेंशन, जब भी आप कोई भी कॉटन का थ्रेड यूज़ कर रहे हो तो इसको चार नंबर पे ही रखना है, और अगर रेशमी धागा आप यूज कर रहे हो तो इसको जीरो या एक नंबर पे रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए आप जीन्स का कपड़े, जीन्स के भी कपड़े को भी आप इसमें स्टिच कर सकते हो, यानी जीन्स को आप दो बार फोल्ड करके भी आप चला सकते हो। आप सोचोगे जीन्स का कपड़ा इतना मोटा कैसे आएगा, इस लिफ्टर को हम थोड़ा सा और ऊपर खींचेंगे तो आप इतना मोटा कपड़ा आप यूज़ कर सकते हो, यानी लिफ्टर को हमने डाउन किया, ये ऊपर किया, इसी को और ऊपर करेंगे तो आप इतना मोटा कपड़ा आप इसमें यूज कर सकते हो। इसमें आप रेशमी धागा भी यूज कर सकते हो, कॉटन का धागा भी, यानी रेशमी धागा कोई भी, जैसे आपको डिजाइनिंग करनी हो तो आप रेशमी धागा भी यूज कर सकते हो। इसके बाद आपका आता है नीडल कैसे चेंज करें। देखिए नीडल चेंज करने के लिए यहाँ पर एक लॉकिंग दी हुई है, इसको हम हल्का सा खोलेंगे, देखिए हल्का सा खोला, यह निडिल आपकी बाहर आ गई। इस निडिल में देखिए चिपटा हिस्सा पीछे की तरफ रहेगा और गोल हिस्सा आगे की तरफ रहेगा, तो पीछे की तरफ चपटे हिस्से को रखेंगे और इसको ऊपर तक ले जाएंगे, जहां लास्ट तक जाता है ऊपर, यानी आपको बीच में नहीं रखना है, बिल्कुल लास्ट ऊपर तक लाकर फिर इसको लॉकिंग करना है। काली मशीन में हम बीच में रख के लॉक कर देते हैं, इसमें आपको बीच में नहीं रखना है, बिल्कुल ऊपर तक लेके जाना है और फिर लॉकिंग करनी है ऐसे प्रॉपर, तो ये आपकी निडिल लग जाएगी। इसमें आपकी निडिल ओनली 14 नंबर की ही लगेगी, 16 नंबर की निडिल आपको नहीं लगानी है। अगर आपके पास सॉफ्ट कपड़ा है रेशमी तो उसके लिए हमें निडिल 11 नंबर लगानी पड़ती है, तो सॉफ्ट कपड़े के लिए 11 नंबर यानी होजरी के, और नॉर्मल स्टिच के लिए आपको 14 नंबर की ही निडिल यूज़ करनी है। इसमें आपका एक कैरी करने के लिए हैंडल आता है, ये देखिए, जिसमें आप आराम से आप मशीन को उठा के रख सकते हो। ऑफ ऑन का बटन आता है जिसमें आप मशीन को ऑफ ऑन कर सकते हो। इसके बाद डायल है जो बाहर की तरफ आता है, यानी आपको जो भी सिलेक्टर यूज करना है वो बाहर की तरफ कर सकते हो। और इसके साथ आपकी सीडी आती है ड्रीम स्टिच के साथ, और एक सॉफ्ट कवर आता है जिससे हम मशीन को हम ढक सकते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद।